नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड की जो साइकिल होती है वो कैसे होती है और किस तरीके से आपको 50 दिन का रीपेमेंट पीरियड भी मिल जाता है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट करते हैं तो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट या बिल जनरेट होता है वो हमारे नॉर्मल बिलों की तरह जनरेट होता है। जैसे बिजली का बिल जनरेट हो गया, पानी का बिल जनरेट हो गया, वैसे ही हर मंथ आपका एक स्टेटमेंट जनरेट होता है। जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट होता है उसपे काफी सारी जानकारियां होती है। पहली तो ये कि आपने एक महीने के अंदर कितना खर्चा किया, अब आपको कितना पेमेंट करना है और मिनिमम अमाउंट कितना ड्यू है और कब तक आपको पेमेंट करना है, किस डेट को आपका स्टेटमेंट आया है। अब होता क्या है कि जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हर एक महीने की एक निश्चित तारीख होती है, उस तारीख को जनरेट होता है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा बिल 3 तारीख को जनरेट होता है क्रेडिट कार्ड का, तो मुझे 50 दिन कैसे मिलते हैं मैं बताता हूँ। मान के चलिए मैंने कोई शॉपिंग 1 तारीख को कर ली, लेकिन मेरा बिल 3 तारीख को जनरेट होना था। अब जो बिल जनरेट होता है उसके दिन उसके बाद से आपको 20 दिन का पीरियड मिलता है पेमेंट करने के लिए, तो मेरे पास टोटल 22 डेज हो गए। अब मान के चलो यही शॉपिंग मैं अगर 4 तारीख को करता तो मुझे 49 डेज मिलते, क्योंकि मेरा बिल तो 3 तारीख को जनरेट हो चुका था। 3 तारीख को जो बिल जनरेट हुआ मुझे केवल उसी का पेमेंट करना है। अब मेरा अगला बिल अगली 3 तारीख को जनरेट होता है, तो मुझे 29 डेज ये मिल गए और 20 दिन वो मिल गए कि मुझे कितने दिन में पेमेंट करना है। तो अगर यदि आप थोड़ी सी समझदारी इस्तेमाल करें तो 50 दिन का आपको पीरियड मिल जाता है रीपेमेंट के लिए, वो भी बिना किसी ब्याज के। तो लेकिन क्या रहता है, कई बार हम कुछ हमें नॉलेज नहीं होती या इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और हम उसका इस्तेमाल हमने 3 तारीख को ही किया या 2 को ही कर लिया और हमें 20 दिन ही मिले, और फिर उसकी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए क्योंकि 1-2 दिन डिले करने की वजह से आपको 50 दिन का पेमेंट का टाइम मिल रहा है। अब होता क्या है, क्रेडिट कार्ड में कई बार क्या रहता है कि आप लोग उसका पूरा पेमेंट नहीं कर पाओ, आपके पास कुछ फंड की शॉर्टेज आई, तो उसमें मिनिमम अमाउंट पेमेंट का एक ऑप्शन आता है। तो वो मिनिमम अमाउंट पेमेंट करने से क्या होता है कि आप पे लेट फीस पेमेंट का चार्ज नहीं लगता, आप पर सिर्फ ब्याज लगता है। आपके जो आउटस्टैंडिंग है उस पर आपको सिर्फ ब्याज देना होता है, क्योंकि लेट फीस चार्ज कई कई बैंकों में 1600-2000 रुपये तक है। तो अगर यदि आप पेमेंट ना कर पाए कभी किसी महीने, तो कम से कम वो मिनिमम पेमेंट तो आप जरूर कर दें। और वैसे मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप पूरा ही पेमेंट कर दें, मिनिमम पेमेंट के चक्कर में भी ना पड़े, क्योंकि मिनिमम पेमेंट कुछ इस तरीके से होता है, वो 5% आपके टोटल अमाउंट की आउटस्टैंडिंग का रहता है प्लस एक्टिव EMI, और अगर यदि कोई पास्ट ड्यू आपका चल रहा है तो वो होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरा जो HDFC का क्रेडिट कार्ड था जो मैंने पहले ले रखा था उसका स्टेटमेंट किस तरीके से था। अब ये देखिए, आपके सामने HDFC का क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है। ये मेरा स्टेटमेंट जनरेट हुआ है 14/11/2018 को, और जो कि मुझे पेमेंट करना है 4/12/2018, यानी कि 20 दिन का मुझे टाइम पीरियड मिल गया। मेरा टोटल ड्यू 4,227 था, जिसमें बैंक ये चाहता है कि मैं 220 रुपये का तो मिनिमम पेमेंट करके अपनी जो जो लेट फीस पेमेंट पेनल्टी है वो अवॉइड कर लूँ। टोटल मेरी क्रेडिट लिमिट 1,25,000 की थी, जिसके अंदर मैं 1,19,000 अभी भी यूज़ कर सकता हूँ, और कैश लिमिट 50,000 की है। ये देखिए, ओपनिंग बैलेंस -88 था, मैंने टोटल परचेज इतना किया और टोटल ड्यूज इतने थे और मिनिमम अमाउंट 220। अब मैंने क्या क्या परचेज किया वो मुझे यहाँ दिख जाता है। जैसे मैंने मेडिकल दुकान पर कुछ दवाइयाँ परचेज करी, प्लस मैंने अपनी मारुति कार की सर्विसिंग कराई तो उसके ये परचेज हैं। तो मेरे ये 2 परचेजेस थे जिनका टोटल बिल इन्होंने 4,222 रुपये निकाला गया है। फिर आगे और भी इसमें जानकारियाँ होती है कि अभी कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, और आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। अब बात आती है, अगर आप पेमेंट नहीं करते तो अगर आप क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट करते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है। देखिए, अगर यदि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं किया, लेट फीस पेमेंट लगे चार्ज लगेगा आपके ऊपर, सिविल स्कोर आपका खराब होगा, और प्लस हैवी जो भी आउटस्टैंडिंग है उस पर हैवी इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक।
कई कई बैंक तो 48% तक चार्ज करते हैं आपसे, 48% पर एनम के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। अब ये आपका सिविल स्कोर किस तरीके से इफेक्ट करता है ये मैं देख रहा हूँ। देखिए, अगर यदि आपने ड्यू डेट तक पेमेंट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास कोई भी फोन ऑन कुछ नहीं आता। लेकिन अगर ड्यू डेट पास्ट हो जाती है तो फिर आपके पास रिमाइंडर और नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं। अगर ड्यू डेट के 30 दिन बाद फिर आपके पास कंटिन्यूअसली रिमाइंडर और कॉल आएंगे क्रेडिट कार्ड से। अगर 90 दिन तक आपने नहीं किया तो आपका अकाउंट एनपीए टर्न हो जाता है, फिर लोन रिकवरी एजेंटों के आपके पास फोन आना शुरू हो जाते हैं। और अगर यदि 190 दिन निकल आए तो आपको फिर जो भी क्रेडिट कार्ड की कंपनी है वो आप पर लॉ सूट फाइल कर सकती है, या फिर आपका केस डीआरटी में फाइल कर सकती है रिकवरी के लिए। यानी कि आप बहुत बड़े ट्रबल में आ सकते हैं। और इनके साथ साथ लेट फीस पेमेंट पेनल्टी, हैवी जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो भी लगना शुरू हो जाता है। कई लोगों को समझ नहीं आती तो अचानक ही उनका बिल बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के और समझदारी पूर्वक यूज़ करिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की तो मत करिए, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि हम शौक शौक से क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं लेकिन उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं हम। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को लेकर आपकी जो भी क्वेरीज थी वो सब आंसर कर दी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। धन्यवाद फ्रेंड्स।